Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज प्लान बना है बारबेक्यू करने का घर में, और जैसे आपको पता है कि अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, तो थोड़ा बहुत जो है वो गोश्त हर एक की फ्रिज में पड़ा होता है, तो वैसे ही बारबेक्यू के लिए थोड़ा सा हमने भी कीमा रखा हुआ था। तो जब मैं कीमा करवाने गया था तो उसके साथ ही मैंने उसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची और दूसरी चीज़ें डलवा के, तो वो कबाब का जो पहले ही उसका मिक्सचर तैयार करवा लिया था। आज मैंने सोचा कि चलें बना लेते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं जी आज का बारबेक्यू। तो जी हमारे पास कोई ऐसा चीज़ें नहीं थी अवेलेबल, अंगीठी वगैरह जिसमें कोयले वगैरह हमने लाइट करने हैं, तो फिलहाल ये हमारे पास लोहे की कढ़ाई मौजूद है, तो इसी में हमने कोयले डाली हैं। कोयले जलाने के लिए यार आसान तरीका तो यही है जी, या आप पेट्रोल डाल लें ऊपर, और अगर पेट्रोल नहीं डालना तो शॉपर जो है इसको आप थोड़ा सा जला के ऊपर रख दें। इस प्लास्टिक बैग को लाइट करेंगे जी माचिस से। प्रोसेस शुरू करते हैं। इस तरह से हमने इसको राउंड शेप दे लेनी है मीट को, और इसको राउंड शेप दे के हल्का सा पानी लगाएंगे, और ये इसके साथ जनाब हम बिल्कुल नरम नरम हाथों से इसको हम इस तरह से सलाख के साथ जो है वो इसको चिपकाएंगे, तो दुआ यही है कि ये चिपक जाए। पहले थोड़े सा प्लीट कर लेंगे ताकि इसकी आग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कोयले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जल गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। सीखें जो थी वो तीन ही अवेलेबल थी घर में, तो वैसे मैं लेकर तो 6 आया था, वो भी पता नहीं तीन कहीं से मिल नहीं रही, तो 3 अवेलेबल हैं तो उसी को हम यूटिलाइज करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कलर इसको आना शुरू हो गया है, हल्के हल्के पकने शुरू हो गए हैं इधर से। ये वाला जो कबाब है, ये वाला जो कबाब है, ये देखें ये 2 टुकड़ों में हो गया बेचारा, इसको शायद इसकी दूसरे कबाब से नाराज़गी है, आपस में इनकी बनती नहीं है, तो इन्होंने कहा जी वाक होना ही बेहतर है। ये बेचारे जो हैं ये अटके हुए हैं अभी, ये आपस में सुलह सफाई से लगे हुए हैं। पहला ही माशाल्लाह से कबाब तैयार हो गए हैं, और इसको अब हम निकालते हैं। वाह 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 जनाब जी, ये चेक करें इसको, ये पूरे का पूरा सावत उतर गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, चेक करें। वाह वाह वाह, इधर तरह हम जो बाकी के 2 कबाब हैं उनको भी उतार लेते हैं। तो अभी हम जो बाकी का मिक्सचर है उसके भी सारे इस तरह से कबाब तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमने सारे बना लिए हैं, सारे के सारे ग्रिल हो गए हैं। अभी हमारे पास चिकन के कुछ स्टेक्स को मसाला लगा हुआ था, तो ये चिकन के फिले हैं, तो हमने सोचा कि इनको भी साथ साथ ग्रिल कर लेते हैं।
माशाल्लाह से जी, ये देखें चिकन ने कलर अपना चेंज कर लिया है। और अभी लेकिन इसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, तो थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं चिकन को ताकि इसकी एक तो ये जले नहीं। इसी तरह से हम इसको जो है ऐसे साइड इसकी चेंज करके, ये देखें जी कितना माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आया है ये ग्रिल का। इसको ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड को ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलों का काफ़ी तेज़ जो है वो हीट आ रही है ऊपर। माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है स्टिक्स का। तो जी माशाल्लाह से ये देखें हमारा बारबेक्यू जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से तैयार हो। ये हमारे जो हैं वो चिकन के स्टेक्स हैं ये तीन, और ये हमारे बीफ कबाब हैं। तो लेमन इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेते हैं जी। सबसे पहले ये हम कबाब चेक करेंगे। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है। माशाल्लाह से कबाब बहुत अच्छे तरीके से कुक हुए हैं। अब ये थोड़ा सा चिकन ट्राई करते हैं ये इसका किस तरह का टेस्ट आ रहा है। ये देखेंगे बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का कुक हो गया है। ये देखें कैसे लगा लगा हो रहा है, इसको ट्राई करके देखते हैं। ज़बरदस्त, क्योंकि ये इसको मैरिनेट करके पहले से फ्रीज किया हुआ था। ये मसाला चेक करें इसका अंदर तक पहुंचा हुआ है। मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छे तरीके से हुई है कंप्लीट, और टेस्ट इंतहाई ज़बरदस्त आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कुक भी हो गया है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ही आज बारबेक्यू बना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।